हाय गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्क्रीनर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो एज अ बिगिनर, अगर आपको स्क्रीनर ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करना नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में स्क्रीनर के जो बेसिक फीचर्स है, जो हम फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, उसके बारे में हम पूरा पूरा समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे आप कंपनी एनालिसिस स्क्रीनर के थ्रू कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने मेरे स्क्रीनर के आईडी में लॉग इन किया है। ऑलराइट, मैं स्क्रीनर के वेबसाइट पे हूँ अभी। यहाँ पे मुझे सबसे पहली जो चीजें दिख रही है वो कुछ कुछ नोटिफिकेशन दिख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन कौन सी कंपनीज के हैं? ये नोटिफिकेशन उन कंपनी के हैं जिनकी मैंने वॉचलिस्ट बनाई है। जैसे आप किसी भी ब्रोकर के पोर्टल पे लॉगिन करते हो तो वहां पे आप अपनी वॉचलिस्ट बनाते हो कि उसके शेयर प्राइस में क्या मूवमेंट आ रहा है आप देख सको। वैसे ही स्क्रीनर में भी अगर कंपनी के तरफ से कोई फंडामेंटल अनाउंसमेंट आ रही है, जैसे कि डिविडेंड दे रही है, शेयर बोनस दे रही है, क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है, या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रही है, सो वो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आपको यहाँ दिख जाती है। सो दैट इज द आइडिया ऑफ मेकिंग अ वॉच लिस्ट। तो आप मान लीजिए फंडामेंटली 10 कंपनियों को ट्रैक कर रहे हो। अब आपको नहीं पता है कि वो कंपनी में आपको कब इन्वेस्ट करना है, या फिर आप एक पॉजिटिव सिग्नल का वेट कर रहे हो कि कंपनी का अगर ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, या ऐसा एबिटा मार्जिन आ गया, या ऐसा पैट मार्जिन आ गया, तो आप इन्वेस्ट करोगे। सो आप क्या कर सकते हो, आप उसको इस वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, तो ताकि जब भी रिजल्ट आए कंपनी का आप तुरंत वो रिजल्ट जाके देख सको और समझ सको कि कंपनी एक्चुअली में कैसा परफॉर्म कर रही है। Alright, so that is the first thing, ये आपके प्रोफाइल पे सीधा सीधा आ जाता है। Now let's go to some company and see how to read and analyze the company. So मैं example के तौर पे Avenue Supermarts का example लेता हूँ। Avenue Supermarts कोई दूसरी कंपनी नहीं बट DMart ही है। DMart उसका ब्रांड नेम है, Avenue Supermarts उसका कंपनी नेम है। तो आज वो कंपनी लिस्टेड है किस नाम से? Avenue Supermarts से, ना कि DMart से। Alright, so जैसे कि आप देख रहे हो मैं कंपनी पेज पे आ गया। Alright, कंपनी पेज पे हमको बहुत चीजें दिख रही है। हमको दिख रहा है कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है, पीई क्या है, आरओसी क्या है, लाइक एन नंबर ऑफ थिंग्स हमको दिख रही है। एंड एट द वेरी सेम टाइम अगर आप राइट साइड में देखो तो आपको दिख रहा है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है वो लिखा हुआ है, और कंपनी के की पॉइंट्स क्या है वो लिखे हुए। की पॉइंट्स में कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कैसे ग्रो कर रही है कंपनी, कितना रिटेल बिजनेस से ग्रो कर रही है। जैसे अब डीमार्ट है तो डीमार्ट का पूरा पूरा बिजनेस मॉडल उस पर वर्क करता है कि उनका कितना स्क्वायर फीट रिटेल स्पेस है और उस स्क्वायर फीट पर वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 स्क्वायर फीट रिटेल स्पेस है और उसमें अगर मैं 10,000 रुपए जनरेट कर रहा हूँ तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, मैं करीबन करीबन 100 रुपए पर स्क्वायर फीट जनरेट कर रहा हूँ। अगर वही 100 स्क्वायर फीट में मैं 20,000 रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा तो इट विल बी अ गुड थिंग, बिकॉज मेरा फिक्स कॉस्ट जो है वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा और मैं एडिशनल रेवेन्यू उसी कॉस्ट में जनरेट कर पाऊंगा। सो मेरा सीधा सीधा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसीलिए आप देख पा रहे हो कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स पर रिटेल बिजनेस एरिया स्क्वायर फीट एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है डीमार्ट के लिए, जो कि आपको राइट हैंड साइड में की पॉइंट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। वैसे ही कंपनी बिजनेस क्या कर रही है, ई कॉमर्स में जाने की चेष्टा कर रही है, ट्राई कर रही है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है। ऑलराइट, एट द वेरी सेम टाइम अगर कंपनी में अभी कुछ नया हुआ है एज इन मान लीजिए कंपनी ने डेट के थ्रू फंड रेस किया है, या फिर कंपनी ने इक्विटी के थ्रू फंड रेस किया है, जो डीमार्ट के केस में हुआ है कि कंपनी ने करीबन 4,000 करोड़ QIP के तौर पर रेस किया है। अभी QIP के तौर पर रेस करना मतलब क्या हो गया कि आप इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर रहे हो, आप 4,000 करोड़ के नए शेयर्स किसी को इश्यू कर रहे हो और वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो वो चीज हो गई। एंड एट द वेरी सेम टाइम अगर कोई इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज है डीमार्ट की तो वो है। इन द केस ऑफ डीमार्ट इतनी सारी सब्सिडरीज नहीं है, बट जैसे आप रिलायंस एज अ कंपनी देखोगे तो बहुत सारी सब्सिडरीज है, 150 से भी ज्यादा सब्सिडरीज है। सो इन दैट केस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कंपनी को रीड करना, बट डीमार्ट जैसा बिजनेस मॉडल है वहां पर इट बिकम्स अ लॉट इजियर। ऑलराइट, सो दैट वाज अबाउट द राइट हैंड साइड थिंग। नाउ लेट्स कम टू द समरी पार्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे अलग अलग तरह के रेशियोज, मेट्रिक्स और वो सारी चीज है। अब द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर टूल एज अ प्लेटफॉर्म इज कि आप चीजें अपने हिसाब से मोल्ड भी कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो से फॉर एग्जांपल आप कार्तिक हो एंड आपको चाहिए कि ये 10 रेशियोज ही आपको देखने हैं उस कंपनी के लिए, तो आप उस हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। मुझे ज्यादा रेशियोज एनालाइज करना पसंद है तो मैं 20 रेशियोज ऐड कर सकता हूँ। सो सी, यू कैन सी हियर नीचे एडिट रेशियोज में मैं जा रहा हूँ, तो ये सारे एग्जिस्टिंग रेशियोज मेरे अभी है मेरे को वहां पे बाहर दिख रहे हैं। मैं चाहूं तो किसी को हटा सकता हूं और किसी को ऐड कर सकता हूं, मैं चाहूं तो किसी को ना हटा के भी किसी और को ऐड कर सकता हूं। तो से फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल्स दिए हुए, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है, यू कैन सिंपली ऐड इट हियर एंड ऐड इट टू सेव क्विक रेशियोज एंड आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख रहे हो नीचे यहाँ पे ऐड हो गया। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी एफिशिएंट वे टू क्विकली रीड अबाउट अ कंपनी, कंपनी कर कैसा रही है। अब फॉर एग्जांपल मुझे जानना है कि कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, तो सीधा सीधा यहाँ पे आ गया। मुझे जानना है ईवी बाई बिट्टा एक वैल्यूएशन का अच्छा रेशियो होता है, जो कि शायद डीमार्ट के लिए एप्लीकेबल ना हो बट यहाँ पे हम आराम से उसको देख सकते हैं। क्या ये कंपनी डेट फ्री है, तो ऑटोमेटिकली मैं डेट टू इक्विटी का रेशियो अगर यहाँ डाल देता हूँ तो मुझे दिख जाता है। वैसे ही
कंपनी का डिविडेंड देती है, ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी का वो जीरो है। अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल देखना है क्या प्राइस है कैसे मूव कर रहा है, तो अभी कंपनी का प्राइस 3,700 के आसपास है, उसका हाई जो था वो 4,200 का था। ऑलराइट, सो वैसे ही उसका लो 3,300 का। तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो, सो दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड फीचर्स कि आप चीजें प्लस माइनस कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड एज यू वुड सी प्लेटफॉर्म में नए नए रेशियोज आते ही जाते हैं, सो जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो लोग कुछ कुछ नए रेशियोज डिस्कवर करते हैं, इन्वेंट करते हैं, तो वो सारे रेशियोज धीरे धीरे करके स्क्रीनर पे दिख जाते हैं। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज फॉर टेक्निकल एनालिसिस, तो क्या कंपनी का प्राइस मूवमेंट रहा है, उसका डेली मूविंग एवरेज कितना रहा है, उसका 200 डेली मूविंग एवरेज कितना रहा है, सो वॉल्यूम कितना रहा है, बेसिक बेसिक चीज अगर आपको समझनी हो तो आप टेक्निकल की भी समझ सकते हो, बट प्रिडोमिनेटली ये प्लेटफॉर्म फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ही बना है। जैसे आप प्राइस के पैटर्न्स देख सकते हो, वैसे आप इंपॉर्टेंट रेशियोज के चार्ट भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल पीई रेशियो है, तो पीई रेशियो का पूरा पूरा चार्ट देख सकते हो कि पीई रेशियो कंपनी का पिछले 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल में कैसे मूव किया है। ऑलराइट, एट द वेरी सेम टाइम प्राइस टू बुक आपको ऐड करना है, मार्केट कैप टू सेल्स ऐड करना है। तो मैं एक साल पहले जब देखता था तो यहाँ पे सिर्फ पीई रेशियो था, लेकिन अब सेल्स मार्जिन का रेशियो भी ऐड हो गया, ईबिटा का भी रेशियो ऐड हो गया। वैसे यहाँ पे आप अलर्ट भी सेट कर सकते हो, सो इन केस आपको चाहिए कि अगर इस कंपनी का पी रेशियो बिलो 50 टच हो तो आपको एक अलर्ट आ जाए, तो वो आप अलर्ट भी सेट कर सकते हो। सो ऑल दोस थिंग्स आर वेरी यूजफुल एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर, बिकॉज आपको एकदम जल्दी नहीं है कोई कंपनी में पैसा डालने की, आप वेट कर रहे हो उस पर्टिकुलर कंपनी को एक सर्टेन वे में परफॉर्म करने के लिए, और फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, सो वो अलर्ट्स आप सेट कर सकते हो। अब हमें जानना है कि मान लीजिए कंपनी में जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो नए रिटेल एनालिस्ट होते हैं, वो देखते हैं कि कंपनी में सब कुछ अच्छा है। जनरली जब भी वो कंपनी पढ़ते हैं तो उनको लगता है कंपनी में सब कुछ अच्छा है, इसीलिए स्क्रीनर में आपको प्रोस कॉन्स दोनों दिख जाते हैं कि कंपनी के पास कंपनी की अच्छी चीजें क्या है, कंपनी की खराब चीजें क्या है। खराब चीजें जनरली हम कभी ओवर लुक कर जाते हैं जब हमको कंपनी बहुत पसंद आने लग जाती है, तो ये एक आपको रियलिटी चेक दे देता है कौन सा। वैसे ही यू हैव पीयर कंपैरिजन का एंटायर सेट। अब द बेस्ट पार्ट इज पीयर कंपैरिजन जब भी बनाए जाते हैं तो वो कुछ एक ऑटोमेटिक फिल्टर के थ्रू बनाए जाते हैं, सो वो ऑटोमेटिक फिल्टर शायद हो सकता है 100% एक्यूरेट ना हो, इसलिए वी हैव द ऑप्शन टू एडिट द कॉलम एज वेल। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 पीयर्स के साथ कंपैरिजन हुआ है, मैं चाहता हूँ लेकिन मुझे वी मार्ट के साथ कंपेयर करना है, तो वी मार्ट रिटेल का मैं नाम यहाँ पे लिखूंगा, एंड यू कैन सी आई कैन कंपेयर एवेन्यू सुपर मार्ट, दैट इज द सब्जेक्ट कंपनी दैट वी आर फोकस्ड ऑन विद वी मार्ट। सो ऑटोमेटिकली सारे ही फंडामेंटल फीचर्स पे मैं उसको कंपेयर कर पा रहा हूँ, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। एंड एट द वेरी सेम टाइम अब आप चाहते हो कि ये सात कंपनीज के साथ ही आप कंपेरिजन करो, बट आपको जो फंडामेंटल पैरामीटर है वो चेंज करने हैं, सो आप एडिट कॉलम्स में जाके वो भी चेंज कर सकते हो। लाइकवाइज कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी का ईयरली पीएनएल स्टेटमेंट, कंपनी की बैलेंस शीट, ये तीनों चीजें तो आप बहुत इजीली यहाँ पे देख ही सकते हो इन अ समराइज वे। सो वो एक आपको एक एडेड एडवांटेज की तरह वर्क करता है कि कंपनी की जो एसेट्स है वो कहाँ से फंड हो रहे हैं, बोरोइंग से आ रहे हैं, इक्विटी के थ्रू आ रहे हैं, कंपनी अपने प्रॉफिट्स वापस इन्वेस्ट कर रही है, सो ऑल दोस थिंग्स यू गेट टू नो। अब जैसे ही आप ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हो, कैश फ्लो ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी आपका इसी में यहाँ पे एडेड है। आप देख पा रहे हो कि ऑपरेटिंग बिजनेस कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है। द बेस्ट पार्ट इज कंपनी का कैश फ्रॉम एक्टिविटी नेगेटिव है, मतलब कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रही है, पैसा कंपनी के वहां से जा रहा है और कंपनी अच्छी जगह पे शायद इन्वेस्ट कर रही है। और इट्स ऑल दोस थिंग्स आर अ गुड फीचर। नेक्स्ट वी हैव द रेशियोज। अब रेशियोज भी अगेन इट्स अप टू यू कि आपको क्या रेशियोज देखने हैं। यहाँ पे हमारे पास वर्किंग कैपिटल के रेशियोज है, डेटर डेज है, इन्वेंट्री डेज है, डेज पेबल है, कैश कन्वर्जन साइकिल है, ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है डीमार्ट के केस में भी। ऑलराइट, सो दैट यू कैन सी हियर। देन यू हैव द शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप देखना चाहते हो आर के दमानी ने कितना डीमार्ट होल्ड किया हुआ है या पूरी दमानी फैमिली कितना डीमार्ट होल्ड करती है, ऑल दोस थिंग्स यू कैन लुक एट इट एंड इट्स अ वेरी यूजफुल टूल। सो एज यू सॉ मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया मेरे को सारे के सारे प्रमोटर शेयर होल्डर्स दिख गए जिनके पास अच्छा खासा शेयर होल्डिंग कंपनी का है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द बेसिक्स ऑफ यू नो द स्क्रीनर वर्क्स इन। ऑलराइट, उसके बाद एंड में जाके आप देख पा रहे हो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी आपके पास अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या हो गया, एनुअल रिपोर्ट हो गई सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो हर साल की एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे है। क्रेडिट रेटिंग्स हो गई, ऑलराइट, एवरी क्वार्टर कंपनी शायद कॉन्फ्रेंस कॉल करती है या फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है, सो ऑल दोस थिंग्स आर ऑल्सो मेंशनड हियर। सो से फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रेजेंटेशन खोला इनका, यहाँ पे मुझे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का इनडेप्थ बिजनेस थोड़ा सा और समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर मान लीजिए मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड नहीं की, ऑलराइट, इट्स फ्री फॉर एवरीवन, हर कोई अटेंड कर सकता है ये कॉन्फ्रेंस कॉल, मैंने अटेंड नहीं की कोई कारण से, मैं था नहीं अवेलेबल, सो व्हाट कंपनीज डू इज दे प्रोवाइड द ट्रांसक्रिप्ट एज वेल। तो इन्होंने पूरी पूरी ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड की है जहाँ पे क्या बातें हुई है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द रिस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट्स, वो पूरी पूरी आपको यहाँ पे मिल जाती है। बहुत ही अच्छा
कम्युनिकेशन है कंपनी के तरफ से टू इट्स इन्वेस्टर्स टू इट्स एनालिस्ट कि हम आप आके हमें पूछ सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं और आपको कंपनी के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है. सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ स्क्रीनर. ये वो सारे फीचर्स है जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, रेवेन्यू सुपरमार्ट चार्ट एनालिसिस पीयर्स फोटोज पीएनएल बैलेंस शीट कैश फ्लो रेशियोज इन्वेस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट्स. ऑलराइट, ये एक इंपॉर्टेंट और बेसिक फीचर्स है जो हमको मिलते हैं. वैसे ही द बेस्ट पार्ट अबाउट स्क्रीनर इज आप चीजें एक्सेल में भी इंपोर्ट कर सकते हो. ऑलराइट, लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट. तो यहाँ पे देखो मैंने एक्सेल में इंपोर्ट किया, तो एवेन्यू सुपरमार्ट के जो भी फाइनेंशियल्स है, पीएनएल स्टेटमेंट है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, पीएनएल स्टेटमेंट है, क्वार्टरली रिजल्ट्स है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, ऑलराइट, डेटा शीट है, ये सारी की सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख जाती है. सो दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड फीचर दैट यू कैन हैव कि आप चीजें एक्सेल में लेके अपने हिसाब से भी एनालिसिस कर सकते हो. अब स्क्रीनर के बारे में मैंने आपको काफी चीजें बता दी है. स्क्रीनर में और भी ऐसे टूल्स है जो आपको बेटर फंडामेंटल एनालिसिस बना सकती है. सो फॉर दैट वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे साथ स्क्रीनर के फाउंडर्स ही प्रत्युष आयुष, दे बोथ हैड कम इन और उन्होंने एक फ्री कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे बनाया है जहाँ पे आप स्क्रीनर कैसे बेस्ट वे में यूज कर सकते हो वो उन्होंने ही आपको बताया है. सो आई एम वन ऑफ द यूजर ऑफ स्क्रीनर. तो मैं एज अ यूजर जो मेरा परसेप्शन है या फिर जिस तरीके से मैं यूज करता हूँ शायद मैंने आपको वो बता दिया पूरे वीडियो में, बट एक्चुअली में स्क्रीनर बना कैसे था, क्यों स्क्रीनर के पर्टिकुलर फीचर्स इस तरीके से बने हुए हैं, क्या उसका रीजन है, क्या उसका एडवांटेज है, कैसे वो यूज हो रहे हैं आज के टाइम पे, वो आपको उस फ्री कोर्स में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. जैसे कि आप जानते हो स्क्रीनर पे भी 60-70% चीजें फ्री है, वैसे भी वो कोर्स पूरा फ्री है. दैट वॉज समथिंग दैट वी वॉन्टेड टू डू फॉर द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी कि आप आइए और स्क्रीनर के बारे में पूरा पूरा समझिए और स्क्रीनर कैसे यूज करते हैं वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, वॉज द अल्टीमेट गोल. तो वो कोर्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहे हैं, आप जाके उस कोर्स को देख सकते हो. वो 2-2.5 hours का कोर्स है, एकदम फ्री है. आप सिंपली जाके समझ सकते हो कि स्क्रीनर को कैसे यूज कर सकते हैं फ्रॉम द फाउंडर्स इटसेल्फ. थैंक यू सो मच.